Good morning, everyone. I welcome you all on behalf of Always Live Yoga. I hope I am audible and visible. Sun pa rahe hain, dekh pa rahe hain mujhe theek se? Okay, perfect. Yes, My teachings will be both in Hindi and English. मैं हिंदी में भी बात करने वाली हूँ और इंग्लिश में भी बात करने वाली हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो किसी को. Just give me a second, please. Okay, so we'll start our session with the prayer first. Prarthana se shuru karenge. Let's sit with our back erect, eyes gently closed. Join your palms in Namaskar Mudra, facial muscles relaxed. Chehre ki manspeshiyan bilkul dheeli. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनिना पतञ्जलिम् Very gently release your palms back on your knees. Open your eyes. So, a very good morning, everyone. So, today we'll be talking about mudras. Hum mudras par baat karne wale hain. So, there are various and thousands and lakhs of mudras to perform. There are इतनी सारी मुद्राज हैं जिनसे हम हमारे पूरे शरीर में बैलेंस ला सकते हैं, हॉर्मोनल बैलेंस ला सकते हैं. सो देर आर वेरियस मुद्राज फ्रॉम विच वी कैन गेट आर हॉर्मोनल बैलेंस. वी कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल बीपी इश्यूज, पीसीओडी. वी कैन वर्क ऑन आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इफ सम विमेन हैव इनफर्टिलिटी इश्यूज, देर आर मुद्राज फॉर दैट ऑल्सो. बट हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि मुद्राज आसन के जैसे काम नहीं करती है. व्हेन वी टॉक अबाउट अष्टांग योगा एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हठ योगा, मुद्राज एक अलग लेवल पर आती है. आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा. ओके, सो इट हैज अ हायर लेवल. इफ वी टॉक इन हठ योगा, अगर हम हठ योगा की बात करते हैं तो मुद्राज का एक हायर लेवल रहता है जो कि इतना ईजी नहीं है. जैसे हम आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया इजिली, वैसे इजी नहीं है. मुद्राज मीन्स पेशेंस. हमें बहुत पेशेंस रखकर उस मुद्रा में कम से कम हर रोज 20 से 30 मिनट बैठना रहता है, 15 मिनट बैठना रहता है. तो इफ वी आर अप्लाइंग मुद्राज एंड वी आर वर्किंग ऑन मुद्राज और हैंड जेस्चर्स, वी मेक श्योर दैट वी आर सिटिंग इन दैट मुद्रा फॉर एटलीस्ट 15, 20, 25 मिनट्स एवरी डे. सो दैट मुद्रा स्टार्ट वर्किंग ऑन द बॉडी. वो हमारे शरीर पर, हमारे अंतर मन पर काम कर सके. तो ऐसा नहीं है आसन में सिर्फ 2 मिनट होल्ड किया तो आसन बहुत जल्दी इफेक्ट देते हैं. बट मुद्राज अगेन वी हैव टू होल्ड फॉर लॉन्गर. ओके, ठीक है. हम मुद्राज मीन्स जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स. फर्स्ट वी लर्न अबाउट दीज 5 फिंगर्स ओनली. सो द थंब रेप्रेजेंट्स फायर, द फायर एलिमेंट इन अस, अग्नि तत्व. ओके, द इंडेक्स फिंगर रेप्रेजेंट्स द वायु तत्व इन अस, दैट्स एयर. ओके, जब जब भी हमारा एयर का इम्बैलेंस होता है, वी कैन यूज दिस फिंगर टू बैलेंस द एयर एलिमेंट इन अस. फॉर एग्जाम्पल दोज हु हैव गैस्ट्रिक इश्यूज, जिनको गैस्ट्रिक की बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ब्लोटिंग इश्यूज होते हैं, उनके लिए अभी आई विल टेल यू द मुद्रा. ओके, दिस इज आर मिडिल फिंगर. इफ यू टॉक अबाउट दिस फिंगर, दिस इज द एयर, स्पेस. ओके, आकाश, आकाश तत्व. When we talk about this ring finger, it is Prithvi Mudra. It balances the earth element in us. हमारे पृथ्वी तत्व को balance करता है. And when we talk about little finger, usually we have seen little children talking that I want to go to pee. Okay, so this is basically, this balances the Jala Tattva in us. That's the water element. So fire, air, space, which one was that? Earth and water. ठीक है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी एंड जल तत्व. सो दीज आर द एलिमेंट्स. ये सब हमारे अंदर ही होता है और इन सबको हम बैलेंस कर सकते हैं. पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, वी ऑल नो दैट. ओके,
So these panchatattvas, if they are getting imbalanced, we can make them balance with the help of these mudras and these gestures. Okay, so I will be telling you some very basic, simple mudras which we can perform on everyday basis without getting any side effects. There are मुद्रास जिनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं अगर उनको लंबे समय तक यूज किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट काली मुद्रा, सो दिस इज बेसिकली अ काली मुद्रा. ओके, इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल मुद्रा एंड वी ऑल नो इन हिंदुइज्म काली मुद्रा इज द मोस्ट फियरलेस गॉडेस. सो इफ यू आर अप्लाइंग दिस मुद्रा, डेफिनेटली देर विल बी अ फियरलेसनेस इन अस, वी विल बी मोर करेजियस. बट अगर इसको ज्यादा देर तक अप्लाई करते हैं तो ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी को भी ड्रेन कर सकता है. अगर इसको 25 मिनट्स 20 मिनट्स अप्लाई किया, दैट्स ओके. इफ यू आर अप्लाइंग दिस फॉर मोर देन 30 मिनट्स, इट विल स्टार्ट ब्रिंगिंग द नेगेटिव एनर्जी इन अस. मतलब इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन द बॉडी गेट्स दिस बैलेंस बिकॉज वी आर नॉट अ योगीज कि हम उस एनर्जीज को बैलेंस कर सके, दोनों एनर्जीज को. तो हमें मुद्रास का टाइम लिमिट भी तय करके रखना पड़ता है कि फॉर हाउ मच टाइम हाउ मच पीरियड वी हैव टू अप्लाई द मुद्रा. ओके, नाउ जंपिंग टू द मुद्रास, अब हम मुद्रास पर सीधा आएंगे. फर्स्ट मुद्रा वेरी सिंपल ध्यान मुद्रा, आर लेफ्ट हैंड डाउन राइट हैंड अप. ठीक है, लेफ्ट हाथ नीचे राइट हाथ ऊपर एंड देन हमारे थंब के जो टिप्स हैं उनको एक साथ मिला लीजिए एंड देन प्लेस इट नियर द नेवल. हमारा जो नाभि का हिस्सा रहता है या नाभि से निचला हिस्सा रहता है ताकि हमारा चेस्ट बिल्कुल एक्सपेंडेड रहे, सो दैट आर चेस्ट रिमेन्स नाइसली एक्सपेंडेड, शोल्डर्स ब्रॉड, वी डोंट हैव टू सिट लाइक दिस. ओके, एंड नाउ आईज क्लोज, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट. लंबा गहरा सांस भरें और लंबा गहरा सांस खाली करें. माइंड मैम नीचे का पोजीशन में नहीं नजर आ रहा है आपका। वी जस्ट हैव, आपकी पोजीशन करेक्ट नहीं हो रही है वीडियो भी. जस्ट अ सेकेंड प्लीज. ओके, सी यहाँ पर रखना है हाथ को हमने, ठीक है, दैट्स इट. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें किसी चीज को. इफ आई एम टेलिंग नेवल रीजन और बिलो द नेवल रीजन, यू जस्ट हैव टू कीप द हैंड देयर, डोंट गो टुवर्ड्स परफेक्शन. चलिए, नेवल रीजन के यहाँ पर या तो यहाँ या फिर अपना जो ग्रोइन रीजन रहता है वहां पर अपने मुद्रा बनाकर रखें. आईज क्लोज, शोल्डर्स ब्रॉड, चेस्ट नाइसली एक्सपैंडेड एंड वॉच योर ब्रेथ फॉर अ वाइल. अपने श्वास को कुछ देर देखें. मेक श्योर वी आर क्रिएटिंग अ एक्यूपंक्चर विद दीज मुद्रास. वी आर प्रेसिंग द थम्स टुगेदर. अपने अंगूठों की जो टिप्स हैं उसको अच्छे से प्रेस कर कर रखें सो दैट वी मे बी एबल टू हियर द हार्ट बीट एज वेल. हम हमारी पल्स को महसूस कर सके उतना टाइट करके रखना है थंब की टिप्स एंड सिंपली ऑब्जर्व. एंड सी हाउ इन विच रीजन द ब्रेथ इज मोर, इन द एब्डोमिनल कैविटी और इन द चेस्ट कैविटी. अब श्वसन किधर ज्यादा चल रहा है, हमारे पेट के हिस्से में या हमारे छाती के हिस्से में, देखें. एंड विद द क्लोज्ड आईज लिसन टू द बेनिफिट्स एज वेल. इसके बेनिफिट्स को भी जानेंगे. सो दिस इज द बेस्ट मेडिटेटिव मुद्रा, सबसे अच्छी मेडिटेटिव मुद्रा मानी जाती है ये फॉर हायर पर्पसेस. लॉर्ड बुद्धा यूज टू सिट इन दिस मुद्रा. इट बैलेंसेस द राइट एंड द लेफ्ट साइड. हमारे राइट साइड शरीर के और लेफ्ट साइड को बैलेंस करता है. दैट इज द आदि एंड शक्ति, शिवा शक्ति. कीप ऑब्जर्विंग द ब्रेथ, अपने श्वास के साथ निरंतर जुड़े रहें. अगेन द बेस्ट मुद्रा टू रिलीज स्ट्रेस एंड मेंटेन दी एंग्जाइटी लेवल. बहुत ज्यादा एंग्जाइटी जब हो तब इस मुद्रा को लगाकर हम बैठ सकते हैं. इफ यू आर फीलिंग रेस्टलेस, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फील हो, दिस मुद्रा वर्क्स.
वी कैन अप्लाई दिस मुद्रा एवरी डे फॉर 10 मिनट्स। बी काम एंड कंपोज्ड एंड नाउ टेक 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ। 3 बार लंबा गहरा सांस लें और खाली करें। वेरी जेंटली रिलीज, हैंड्स बैक ऑन योर नीज, रिमेन साइलेंट फॉर अ सेकेंड। ऑब्जर्व, हमारा श्वास अपने आप स्लो हुआ है, द ब्रेथ्स हैव बिकम सटल। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑन द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम पर भी यह मुद्रा बहुत अच्छे से कार्य करती है। जेंटली ओपन योर आइज। द नेक्स्ट मुद्रा विच वी विल टॉक अबाउट इज, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स जस्ट अ हाफ एन आवर सेशन, ओके? अदरवाइज वी कैन गो इन मोर डिटेल्स। मैं एक मुद्रा पे कम से कम 1 घंटा बात कर सकती हूँ, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम। नेक्स्ट इज द गणेश मुद्रा। सो दोज हु हैव हाई बीपी इश्यूज, हाइपरटेंशन इश्यूज, बहुत ज्यादा जिनका बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है, हाइपरटेंस रहते हैं हमेशा, 140 से ऊपर जिनका बीपी रहता है, फॉर देम गणेश मुद्रा इज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो गणेश मुद्रा बेसिकली इज दिस, व्हेन वी आर होल्डिंग, इस तरह से अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा, ठीक है, लाइक दिस, अच्छे से मुट्ठी बनाकर रखना है और अच्छे से फिंगर्स को प्रेस करके रखना है। प्रेस द फिंगर्स नाइसली एंड वी हैव टू प्लेस इट एट द सेंटर ऑफ द हार्ट रीजन। हमारे अनाहत चक्र को भी बैलेंस करती है यह मुद्रा। सो अनाहत चक्र इज बेसिकली द चक्र सिचुएटेड नियर द हार्ट, हृदय चक्र भी बोलते हैं उसे। तो इस तरह से अच्छे से फर्म एंड टाइट, द ग्रिप शुड नॉट बी लूज, ओके? ग्रिप शुड बी नाइसली टाइट एंड कीप इट एट द सेंटर ऑफ योर हार्ट। देयर शुड बी अ लिटिल प्रेशर ऑन द हार्ट, वी आर नॉट क्रिएटिंग टू मच प्रेशर। बैक स्ट्रेट अगेन, आईज जेंटली क्लोज, शोल्डर्स ब्रॉड एंड नाउ अगेन वॉच द ब्रीदिंग। नाउ वेयर वी कैन फील मोर ब्रेथ in your chest cavity or in the abdominal cavity, see how the breath is taking a shift. Is prakar se hamara breathing shifting par chal raha hai, kabhi pet mein to kabhi chhati mein, aur abhi agar theek se anubhav karenge to chhati mein hame shwasan zyada lagega. रिमेन साइलेंट विद योर आईज क्लोज्ड फॉर अ वाइल। कुछ क्षण ऐसे ही बैठेंगे शांत। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ब्लड प्रेशर। इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बीपी इश्यूज, अगर बीपी इश्यूज नहीं है, एंड इवन इफ वी आर परफॉर्मिंग दिस मुद्रा, वी विल नेवर एवर सफर फ्रॉम सच इश्यूज। हमें कभी भी यह परेशानियां नहीं होंगी। ऑल्सो दोज हु हैव हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, इट इज वेरी गुड फॉर देम एज वेल, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। टेक 2 मोर लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। 2 बार और लंबा गहरा सांस लें और मुद्रा को अच्छे से कस कर रखें। We can perform this mudra for 8 minutes every day. Gently come back and relax. Remain silent, shanti baithe. Okay, open your eyes. Next, I'll talk about the yoni mudra. So yoni means the womb, we all know that. Hamara reproductive system se related hai yah mudra. So yoni mudra basically, if I'll tell you the gesture, we have to make this gesture creating a yoni, okay? Join these fingers, little finger, ring finger and middle finger, and make a triangle of your index finger and thumb. Okay, ye acche se humne yoni bana leni hai. So this is the shape of the womb we are creating, okay?
एंड नाउ जस्ट प्लेस इट, जस्ट अ सेकेंड, वूम के यहीं पर रखना है हमारा ग्रोइन रीजन, ओके, नाभि से निचला हिस्सा, जस्ट कीप दिस हियर, अच्छे से प्रेशर करके रखेंगे, यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई अ गुड प्रेशर हियर, ओके, बैक स्ट्रेट एंड मेक श्योर द टिप्स ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड थंब, हमारा जो इंडेक्स फिंगर का टिप है और थंब का टिप है वो अच्छे से प्रेस प्रेस रहेगा, डू नॉट कीप इट लूज, बैक स्ट्रेट, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, आईज क्लोज, एंड नाउ अगेन फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपने श्वास पर फिर से ध्यान लगाएं। सो दिस मुद्रा इज ऑल्सो यूज इन तंत्र एज वेल, इफ यू टॉक अबाउट तंत्र मेडिटेशन, अगर तंत्र योग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मुद्रा यही यूज की जाती है, बट राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग दिस मुद्रा फॉर एनी तंत्र, वी आर यूजिंग दिस मुद्रा फॉर आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर आर यूट्रस, फॉर आर ओवरीज हेल्थ, दोज हु हैव पीसीओडी एंड पीसीओएस इश्यूज, जिनको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या रहती है, विच इज वेरी कॉमन दीज डेज, वो यह मुद्रा लगा सकते हैं हर रोज। अगेन इट क्रिएट्स अ गुड ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, वेरी सर गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन, आप कैमरा डाउन करें अपना 1 सेकेंड। ओके, इस तरह से हियर आपने ये हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारा थंब और बाकी की सारी 3 उंगलियों को एक साथ मिलाना है ऐसे, और प्लीज एक बार में ठीक से सुनिए, रिमेन साइलेंट, ऑल्सो द विमेन हु हैव इनफर्टिलिटी इश्यूज, अगेन दिस मुद्रा फॉर मंथ्स में हेल्प विद देयर फर्टिलिटी एज वेल, बट इट इज नॉट एज इजी, वी हैव टू अप्लाई दिस मुद्रा फॉर लॉन्गर एंड लॉन्गर आवर्स टू अगेन क्रिएट द बैलेंस इन द हॉर्मोन्स, हमारे हॉर्मोन्स को फिर से बैलेंस में लाने के लिए इस मुद्रा को बहुत लंबी लंबी देर तक लगाना पड़ता है। रिमेन स्टिल एंड काम एंड फील द फ्लो ऑफ द ब्रेथ, नॉर्मल रखनी प्लीज कीप योर माइक्स ऑफ, रिमेन साइलेंट फॉर 2 मोर ब्रेथ्स, 2 बार और लंबा गहरा सांस श्वास ले, वेरी जेंटली रिलीज एंड रिलैक्स, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, व्हेन वी आर अप्लाइंग ऑल दीज मुद्रास, हाउ द बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग, हाउ द माइंड इज रिस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व, हमारा मन और हमारा शरीर किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है हमें देखें। हाउ द हार्ट इज रिस्पॉन्डिंग, हमारे हृदय की गति कैसी है अब, वेरी जेंटली ओपन योर आईज, इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट मुद्रा नाउ, प्लीज अपने माइक्स को ऑफ रखिए, बीच बीच में ऑन ना करें, बहुत क्लास में डिस्टर्बेंस होता है, थैंक यू सो मच। इफ यू टॉक अबाउट गैस्ट्रिक इश्यूज, जिनको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, सो वी यूजुअली अप्लाई दिस ध्यान मुद्रा एवरी डे व्हेन वी आर परफॉर्मिंग योगा आसनास एंड प्राणायाम, राइट, दिस इज वेरी सिंपल ज्ञान मुद्रा विच वी परफॉर्म एवरी डे, ज्ञान मुद्रा, बट इसी को अगर हम ऐसे प्रेस कर लेंगे, ओके, दिस व्हेन वी आर प्रेसिंग दिस इट बिकम्स चिन्मय मुद्रा और द वायु मुद्रा, सो वी आर बैलेंसिंग द वायु तत्व इन अस,
सो दिस इज अग्नि, दिस इज वायु, ओके, फायर एंड एयर. सो व्हेन वी आर बैलेंसिंग दीज टू एलिमेंट्स, इट इज अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल काइंड ऑफ गैस्ट्रिक इश्यूज. बहुत ज्यादा गैस की समस्या है, एसिडिटी रिफ्लक्स रहता है, बहुत ज्यादा एसिडिक रहते हैं, यू फील वेरी, आपको ऐसा हर वक्त लगता है कि आपके पेट में हर वक्त एसिड बन रहा है जो ऊपर की तरफ आ रहा है, यू एसिड रिफ्लक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मुद्रा हेल्प, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी. सो नाउ जस्ट कीप योर हैंड्स ऑन योर नीज, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें. अगेन आईज क्लोज एंड सिंपली टेक 5 to 6 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स. 5 से 6 बार लंबा गहरा सांस लेंगे और खाली करेंगे. मेक श्योर वी आर प्रेसिंग द इंडेक्स फिंगर विद द थंब. अच्छे से हम अंगूठे से अपने इंडेक्स फिंगर को प्रेस कर रहे हैं. ऑब्जर्व द ब्रेथ, अपने श्वसन को देखें. एंड वेरी जेंटली ओपन योर आईज. सो हाउ मेनी मुद्रास वी हैव डन अप टिल नाउ? फर्स्ट वॉज, याद है किसी को जो ठीक से सुन रहे हैं? यस अनीता जी, ओके ठीक है. अभी मुद्रा ओके, वन मोर मुद्रा वील टॉक अबाउट. एक और मुद्रा के बारे में बात करेंगे, विच इज पृथ्वी मुद्रा. पृथ्वी मुद्रा, अगेन माइक ऑफ प्लीज, माइक ऑफ. ओके, पृथ्वी मुद्रा, दिस इज द अर्थ एलिमेंट. ओके, दिस फिंगर, आर रिंग फिंगर इज द अर्थ एलिमेंट. प्रेस दिस. ओके, सो दिस बिकम्स पृथ्वी मुद्रा. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पृथ्वी मुद्रा. दोज हु आर वेरी वीक, जो बहुत वीक रहते हैं, लैक ऑफ एनर्जी जिनमें रहता है, अगेन जिनका वेट गेन नहीं हो पाता, दोज हु आर अनेबल टू गेन अ गुड वेट, मेंटेन अ हेल्दी वेट, दे शुड परफॉर्म दिस मुद्रा एवरी डे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स. दिस मुद्रा विल डू वंडर्स फॉर यू. ओके, सो जस्ट अगेन कीप योर हैंड्स ऑन योर नीज, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर आईज क्लोज. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड अ डीप ब्रेथ आउट. और हमारा सारा ध्यान हमारी मुद्रा पर. ऑल आर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द मुद्रा एंड ऑन द ब्रेथ. अगेन दोज हु हैव अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोअर्थराइटिस इश्यूज, जिनको अर्थराइटिस की समस्या रहती है, वेरी गुड मुद्रा फॉर देम एज वेल. इट गिव्स रिलीफ इन द जॉइंट्स एंड मसल पेन. जिनको बहुत ज्यादा जॉइंट्स में दर्द रहता है, मसल्स में दर्द रहता है, सोरनेस रहती है, उनके लिए भी यह मुद्रा बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है. शांत बैठे कुछ देर ऐसे ही. रिमेन काम एंड कंपोज. फॉर बेटर कॉन्सेंट्रेशन वी कैन लुक एट द नोज टिप, नासाग्रह दृष्टि. अगर आपको लगता है कि ये मुद्रा लगाकर हमारा कॉन्सेंट्रेशन इतना अच्छा नहीं हो पा रहा, वी विल रोल आर आईज एंड लुक एट द सेंटर ऑफ द नोज टिप. हम हमारी नाक के मध्य की डंडी को देखें. स्टे लाइक दिस फॉर 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स. 3 बार लंबा गहरा सांस. वेरी स्लोली क्लोज योर आईज, रिलीज द मुद्रा एंड रिलैक्स.
लास्ट मुद्रा क्विकली करेंगे, काली मुद्रा. ओके, सो जॉइन योर इंडेक्स फिंगर टुगेदर, अदरवाइज लॉक ऑल योर हैंड्स. बाकी सारी उंगलियों को लॉक कर लीजिए अच्छे से, अंगूठों को लॉक कर लीजिए. सिर्फ हमारा इंडेक्स फिंगर ऐसे ऊपर की तरफ रहेगा. ओके, एंड वी कैन कीप इट हियर समवेयर एट द सेंटर. कमर बिल्कुल सीधी, शोल्डर्स ब्रॉड, चेस्ट नाइसली एक्सपेंडेड. वॉच योर ब्रेथ. सो दोज हु लैक कॉन्फिडेंस, जिनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है. ओके, दोज हु आर वेरी फियरफुल, जो बहुत ज्यादा डरते हैं, नर्वस रहते हैं हर वक्त, एंग्जाइटी रहती है बहुत ज्यादा. वेन एवर देर इज लॉट ऑफ एंग्जाइटी, लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन द माइंड, यू आर ऑलवेज नर्वस बिफोर एंड आफ्टर डूइंग सम वर्क, दिस मुद्रा विल काम यू डाउन. इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स. Will develop courage and fearlessness within you. Remain calm, observe the breath. Again, we are clenching the hands. अच्छे से हाथों में प्रेशर है, दबाव है, उस दबाव को कम नहीं करना है. टेक टू लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, दो बार लंबा गहरा सांस लें. एंड वेरी जेंटली रिलीज. स्लोली ओपन योर आईज एवरीवन. ओके, आई होप दीज मुद्रास, यू मे टेक एनी वन मुद्रा. जरूरी नहीं है आपने हर रोज ये सारी मुद्रा प्रैक्टिस करनी है, कोई भी एक मुद्रा लीजिए, जस्ट वन मुद्रा विच इज वेरी इफेक्टिव फॉर यू. देखिए कौन सी मुद्रा हमारे शरीर पर ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही मुद्रा है, फॉर देन थायराइड, थायराइड मुद्रा, थायराइड थायरॉइड मुद्रा, मुद्रा. थायराइड. सी टुडे आई एम जस्ट टेलिंग यू, मे बी इन नेक्स्ट सेशन. ओके गीता जी, यस ओके यस. मैं हाँ वन जी, यस क्वेश्चन मैम, यस. ये सारी हाँ मुद्रा ठीक है, वज्रासन होती है मैम? फिर से बोलेंगे आप एक बार. ये सारी मुद्रा वज्रासन में करनी होती है? नहीं, आप पद्मासन में, सुखासन में, जैसे ऐसे भी बैठे हैं ना, सिंपल वैसे भी कर सकते हैं. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना कीजिए चीजों को. वज्रासन में आप 15 से 20 मिनट अगर बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, पर अगर आपके घुटने और एंकल्स में सारा ध्यान आपका चला जाएगा तो फिर आप मुद्रा पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. तो बेटर है सिंपल पोज को अपनाएं. सुखासन में बैठे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठे, ठीक है. मैम आई ऑल्सो हैव अ यस क्वेश्चन, कर दीजिए एक बार. प्लीज, वन एट अ टाइम प्लीज. एक जन बोलेंगे तो मुझे क्लियरली सुनाई देगा. हाँ जी, एक बार फर्स्ट वाली और रिपीट कर दीजिए. फर्स्ट फर्स्ट कौन सी वाली बताई कौन थी? सी थी? फर्स्ट वन वॉज ध्यान मुद्रा. हमारा लेफ्ट हाथ नीचे था, राइट हाथ ऊपर था, और दोनों अंगूठों को अच्छे से मिलाकर उसके बाद हमने हमारे नेवल के यहाँ पर, या तो नेवल के यहाँ या फिर हमारे ग्रोइन रीजन, जहां पर भी हमें कंफर्टेबल महसूस हो रहा है वहां हाथ को रख सकते हैं, ठीक है. हाँ मैम जी, मैम मे आई? या यस प्लीज. यस कॉन्ट्रैक्शन यस. कि 5 उंगलियों में 5 एलिमेंट्स हैं, राइट? तो जब कॉन्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, सबसे अच्छा आज मुझे जैसे फर्स्ट मुद्रा में काफी यानी इंस्टेंट बेनिफिट्स फील हुआ. सो जैसे मान लीजिए कि थंब हमारा अग्नि अग्नि है, अग्नि का प्रतीक है, तो जब दोनों होता है तो बॉडी में किस तरीके से उसको यानी क्या कहूँ, स्टेबिलिटी किस तरीके से लाता है? अगर दोनों ही अग्नि है और कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है तो स्टेबिलिटी कैसे क्रिएट होगी? थोड़ा इस चीज को समझना स्टेबिलिटी चाह रही. ऐसे क्रिएट होगी. सी, अगर हम दोनों अग्नि अग्नि तत्वों को मिला रहे हैं तो यह हमारे शरीर में, सी देर इज सोलर एंड देर इज लूनर विद इन अस, ठीक है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना. तो जैसे हम जब सूर्य भेदन करते हैं, व्हेन वी आर जस्ट डूइंग सूर्य भेदन प्राणायाम, व्हेन वी आर क्रिएटिंग
दैट वी आर बैलेंसिंग द सन एनर्जी द सोलर एनर्जी विद इन अस। तो अगर जब हम अग्नि अग्नि तत्वों को भी मिला रहे हैं तो वो कुछ डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा। इट विल जनरेट अ लिटिल बिट ऑफ मोर हीट इन द बॉडी, हमारे शरीर में थोड़ा सा हीट को डेवलप कर सकता है। लूनर एनर्जी को थोड़ा सा, जस्ट जस्ट अ सेकेंड मनीषा जी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा लूनर एनर्जी को डाउन करेगा। एंड व्हेन द हीट इज मोर इन द बॉडी इट इज वेरी गुड फॉर आवर मेटाबॉलिक रेट, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करेगा, स्टेबिलिटी इस तरीके से लाएगा। क्योंकि अगर सूर्य की एनर्जी ज्यादा रहेगी तो हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा, डाइजेशन ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हैं वो शांत रहेंगे एंड द बॉडी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर बेटर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। क्योंकि कहते हैं कि गट हेल्थ, अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है तो हम हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ज्यादा ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। तो दिस विल बेसिकली बैलेंस द गट हेल्थ। हमारा डाइजेस्टिव इश्यूज जब अच्छे रहेंगे, कोई डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आगे जा पाएंगे। जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं वो आधा से ज्यादा टाइम सारा ध्यान इधर ही रहेगा, राइट? हमारा सारा फोकस इनडाइजेशन में, ब्लोटिंग में, फ्लैटुलेंस में, इन्हीं सब में रहेगा। तो वो इंसान कभी भी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस को अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम हमारे अग्नि अग्नि तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। दोनों अग्नि तत्व बैलेंस, मतलब दो एक ही अग्नि तत्व है उसको बैलेंस में करेंगे तो जस्ट इट विल डबल द इफेक्ट, दैट्स इट। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है। ओके मैम, ओके थैंक यू। बट अगर किसी का पित्त बढ़ाओ, जैसे एसिड बनता है, तो वो अगर अग्नि अग्नि तत्व को बैलेंस करेगा तो बढ़ भी सकता है। हाँ बिल्कुल बढ़ सकता है पित्त। जिन लोगों को पित्त रहता है उनको नहीं करना है। मैंने बहुत ज्यादा लिमिटेशन सी, देयर वाज इट वाज जस्ट अ हाफ एन आवर क्लास, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता सकती। वात पित्त कफ का एक अलग वो मैं, ये सिर्फ मुद्रा वर्कशॉप था। ओके अगर हम इस मुद्रा को वात पित्त कफ से जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल ही एक अलग सेशन चला जाएगा, जिसमें हम बिल्कुल सिर्फ वात पित्त और कफ पे ही बात करेंगे और उनकी पर्टिकुलर मुद्रा पर बात करेंगे। ओके तो दिस वॉज नॉट अबाउट ओके दैट वर्कशॉप बैलेंसिंग। ओके ओके मैम, लास्ट हर क्वेश्चन दिन आपने ये, एक सेकेंड एक सेकेंड, मनीषा जी आई जस्ट टेक योर क्वेश्चन, मनश्विनी जी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस ओके नमस्ते। आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग कि जो आपने मुद्राएं बताई हैं और इनको, जैसे आपने एक टाइम लिमिट बताया कि इतने समय दिन में प्रैक्टिस करना चाहिए, तो हम कितने समय तक, लाइक फॉर हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी मंथ्स, हम इनको प्रैक्टिस अगर रेगुलरली करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, मतलब जनरली, प्रैक्टिकल इन जनरल? रिजल्ट्स इन जनरली 6 months, 6 months बेस्ट टाइमलाइन, 6 months एंड देन यू विल डेफिनेटली सी द चेंजेस इन द बॉडी। कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे फॉर 15 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes एंड इन विद इन 6 months यू विल सी द चेंजेस, गुड चेंजेस। क्लासेस में आप हमेशा दिखा सकते ना मैम, कोई नहीं दिखाता ये मुद्रास के बारे में, लास्ट में दिखा सकते मैं हैं मेरी क्लास में तो ना? दिखाती हूँ, आई डोंट नो अबाउट योर्स। नो, मैं अपनी क्लास में सारी बिकॉज मुद्रा आई डोंट अटेंड योर क्लास, आई अटेंड अदर, ओके, टाइम की वजह से। हम सो इफ यू जस्ट पुट अ वर्ड कि अगर लास्ट में, एंड में ना, अगर एक एक भी बता दें तो वील रिमेम्बर, सिर्फ आज के दिन डेफिनेटली वी कैन नॉट ओके रिमेम्बर ऑल, आई राइट होप राइट राइट यू अग्री अंडरस्टैंड। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आई जस्ट कीप अ वर्ड, मैं आई हैव अ वर्ड विद टीम एंड लेट्स सी व्हाट दे से। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके यस मनश्विनी जी प्लीज कंटिन्यू, आई एम सो सॉरी। यस ओके ये पृथ्वी मुद्रा की एक्सरसाइज टाइप, यस ओके। तो वेट गेन के लिए ये अच्छी दी, हाँ तो इससे और हम पर स्टार्ट। पृथ्वी मुद्रा फिर से हीट जनरेट करेगी शरीर में, ठीक है? ये अगेन इट इज अ हीटिंग मुद्रा, तो इसको भी हम पित्त जब बड़ा हुआ है तो नहीं करेंगे। अगर पित्त हमारा बड़ा हुआ है वी कैन सिंपली डू दिस दिस ध्यान ज्ञान मुद्रा। ओके इट इज अ वेरी सिंपल मुद्रा विच वी कैन सिट। देर आर प्राण मुद्राज, अपान मुद्रा, देर आर मेनी मेनी मुद्रास, बट अभी मैं अगर सबके बारे में बात करूंगी तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगर पित्त बहुत ज्यादा है तो बस ये वाली मुद्रा लगा कर रखनी, ठीक है? ओके और एक और आपने बताया योनि मुद्रा, तो जब हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो थाइस पे प्रेशर आता है, मींस रिस्ट ऑफ थाइस पे रख रिस्ट के, पर तो आएगा, राइट, हमारे को बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, हमारे रिस्ट में फील होगा, हमें कंधों में भी प्रेशर फील हो सकता है थोड़ी देर में। ज्यादा देर तक बैठेंगे तो नमनेस आएगी हमें, हमारे कंधों में बहुत ज्यादा नमनेस हमारे रिस्ट में आने लग जाएगी, तो
पर उसी तरह से वो इफेक्टिव बनेगी, जितना लंबा समय योनि मुद्रा को होल्ड करेंगे उतना ही बेनिफिट वो हमारे वूम में देना लग जाएगी। हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा मानी जाती है योनि मुद्रा। ओके, तो इस प्रकार से डाउन करके, ऐसे फिंगर्स को डाउन करके और रिस्ट को ऐसे थाई पे प्रेशर डाल के एल्बो पीछे और कंधे पीछे ट्विस्ट रोल कीजिए। बैक और चेस्ट एक्सपेंडेड, छाती अच्छे से चौड़ी। ओके ओके थैंक यू। लास्ट आपने काली मुद्रा बताई, तो इसमें भी अंगूठे का कोई रोल है कि ऐसे लेफ्ट लॉक हैंड? लॉक करके रखना है, बाकी सबको लॉक रखना है, दैट्स इट। हमारा मेजर फोकस है ओके इंडेक्स फिंगर्स पर, ठीक है ओके और पाम भी बस। एकदम प्रेशर में रहेंगे, हाँ, पाम्स पर प्रेशर। प्रेशर रहेगा, इन फिंगर्स पर प्रेशर रहेगा आपस में, और इंडेक्स फिंगर अच्छे से दबी हुई रहेगी, अंगूठे अच्छे से आपस में जुड़े हुए रहेंगे। और ओके आई गॉट इट। इनको ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है सिकुड़ के, क्योंकि सिकुड़ेंगे तो हमारे लंग्स भी सिकुड़ेंगे, तो अच्छे से एक्सपैंड करके रखना है। ओके चलिए, आई गॉट इट, थैंक यू, थैंक ओके, टेक केयर एवरीवन, आई विल टेक अ लीव नाउ, हैव अ ग्रेट डे, यू। ब्राइट डे अहेड, सी यू मैम ऑल। थैंक यू सो मच मैम। रिकॉर्डिंग ऑफ यस टुडे यस सेशन, आई थिंक दे हैव रिकॉर्डेड दिस सेशन एंड मे बी यू विल फाइंड इट ऑन यूट्यूब एज वेल वेरी सून। टिल वी हैव टू सी, आई आस्क एंड आई लेट यू नो, मे बी यू कैन आस्क द टीम। ओके श्योर मैम, श्योर, थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर। बाय मैम।